ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने मोबाइल फोन से तत्काल टिकट कंफर्म बुक कैसे कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या, यदि आप लोग अपने मोबाइल फोन से कंफर्म तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है IRCTC रेल कनेक्ट, तो आप लोगों को यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप देखने को मिल जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। यदि आप लोगों ने पहले से ही इंस्टॉल कर लिए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट आ चुका है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में, तो आप लोगों को भी अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को यूजर नेम, पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर फिल कर चुका हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इंटर पिन यानी कि 4-डिजिट पिन सेट करना होगा और यहाँ पे कंफर्म पिन करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को सिर्फ पिन डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। तो सिंपल मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको माई अकाउंट पर क्लिक करना है, माई मास्टर लिस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप यहाँ पे लोअर बर्थ, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ सेलेक्ट करते हैं जब आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पे लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रोसेस में टाइम लग सकता है जिसकी वजह से भी आप लोगों का तत्काल टिकट मिस हो सकता है। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को पैसेंजर डिटेल पहले से ही सेव करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने 3 से 4 नाम मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल पहले से ही सेव करके रख चुका हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी पहले से ही नाम सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को होम पे आना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे काम आपका हो चुका है तो इसे आपको फिर से लॉग आउट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को फिर से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे स्लीपर या फिर AC, यदि आप स्लीपर क्लास में टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को 1 मिनट पहले लॉग इन पे क्लिक करना है। यदि आप AC क्लास का टिकट बुक करते हैं तो भी आप लोगों को 1 मिनट पहले ही लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको 4 डिजिट का पिन डालना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को प्लान माई जोनी पे क्लिक करना है। इसके बाद जिस रूट का आपको टिकट बुक करना है यहाँ पे फॉर्म स्टेशन, इसके बाद 2 स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कोटा पे क्लिक करना है, आप लोग यहाँ तत्काल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, इसका ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद सर्च ट्रेन पे कब क्लिक करना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे, यदि AC का टिकट बुक करते हैं या फिर स्लीपर का टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को 4 से 5 सेकेंड बाद आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। यानी कि यदि आप स्लीपर का टिकट बुक करते हैं यानी कि 11 बजे बुकिंग इसका स्टार्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे 11:03 से 4 सेकेंड सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिस इस रूट में जितने भी ट्रेन होंगे देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको क्लास सेलेक्ट करना है। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और जितने आप पैसेंजर डिटेल पहले से ही डाटा सेव करके रखे होंगे ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल सेलेक्ट पैसेंजर पे करना है। इसके बाद डन करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहे तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो कोशिश कीजिए आप लोगों को मोबाइल नंबर चेंज ना करें, क्योंकि मोबाइल नंबर चेंज करने में 4 से 5 सेकंड आपको लग सकता है। इसके बाद नीचे की तरफ क्लिक करना है और यहाँ इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो फर्स्ट लाइन इसके बाद पिन कोड टाइप करना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे या फिर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो फटाफट आप लोगों को
पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, इसके बाद आपको इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। रिव्यू जोनी डिटेल पे आपको किस टाइम क्लिक करना है, जब आप तत्काल टिकट बुक करेंगे स्लीपर क्लास का, तो 11:01-3:04 में आप लोगों को रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। यदि आप इससे पहले करते हैं तो आपको प्रोसेस में टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से भी आप लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करते हैं। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो एक एक बात को आपको ध्यान रखना है, तभी आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है, इसके बाद यस पे क्लिक करना है। जब आप फाइनल पेमेंट पे आ जाते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेमेंट ऑप्शन भी सेलेक्ट करना है। यदि आप गलत पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो भी आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट के बाद क्या जाए, तो वॉलेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पे पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे, OTP आपको फिल करना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप लोगों को टिकट कन्फर्म बुक हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों का पेटीएम अवेलेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट बेस्ट पेमेंट ऑप्शन की बात किया जाए तो पेटीएम और फोन पे है फिलहाल में। यदि आप पेटीएम या फिर फोन पे यूज करते हैं पेमेंट के लिए तो आप लोग इजीली तत्काल टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से भी बुक कर सकते हैं। यदि आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।